खरगोदा में जिस युवक पर बच्चों की किडनैपिंग गिरोह में शामिल होने के आरोप लगे हैं और सीबीआई उनके घर तक पहुंचकर दस्तावेज जुटाकर ले गई है, उनके घर को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनके घर खूब रुपए होंगे, क्योंकि उनका घर एक तंग गली में है जो कि इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत सहायता राशि लेकर बनाया गया है। उनकी आर्थिक हालत ज्यादा ठीक ठाक नहीं है। आरोपी नीरज का पिता बहुत ही मेहनतकश व्यक्ति है जिसने पूरी उम्र मेहनत की है। बच्चों के पालन पोषण के लिए उन्होंने कई वर्षों तक सुबह 3 बजे उठकर अखबार वितरण का कार्य किया है, बाकी दिन भर मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण किया है। कई वर्षों से अखबार वितरण का कार्य छोड़कर वन विभाग में मजदूरी के रूप में भी कई वर्ष कार्य कर चुके हैं, लेकिन HKRN स्कीम आई तो उनको इस बेलदारी की नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। मौजूदा हाल में अब वह मेहनत मजदूरी का कार्य कर रहा था जिसमें हलवाई के कारिंदों के रूप में भी वह कार्य कर रहा है। परिवार के हालात को भी मजबूत करने के लिए आरोपी की माँ भी नर्सरी में मजदूरी का कार्य करती है। परिवार के सदस्यों को जाँच एजेंसी में आरोपों पर यकीन नहीं हो रहा। उन्हें लगता है कि उनके लड़के को किसी ने जानबूझकर इस रैकेट में फंसाया है। दिन में कई बार ताला लगाकर पूरा का पूरा परिवार इसी जांच पड़ताल के लिए चला गया।